नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द भारत। बीजेपी और शिवसेना का साथ लंबा रहा है। महाराष्ट्र में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते थे, मगर 2019 में एक बड़ा बदलाव हुआ। बड़ा भाई छोटा भाई हो गया और छोटा भाई बड़ा भाई हो गया, और बड़ा भाई नाराज हो गया कि हमेशा से तो मैं ही बड़ा था, तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। खैर, 2019 विधानसभा चुनाव में 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत मिली और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली। यहीं से विवाद शुरू हो गया, दोनों का गठबंधन टूटा और तीन अलग अलग विचारधारा वाले दल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई और सीएम बने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे। यहीं से खींचतान शुरू हुई। दरअसल ये इतिहास की बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि आज एक तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। ये तस्वीर उस वक्त भी वायरल हुई थी जब उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया था। बीजेपी ने उस वक्त कहा था कि उद्धव अपने पिता के वचन को भूल गए। तब शिवसैनिकों ने इंदिरा गांधी और बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस और शिवसेना में कोई खटास नहीं थी। इतिहास खुद को दोहराता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सियासी हलचल चल रही है वो आप सभी को पता है। उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल होना पड़ा, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दावे की लड़ाई भी चल रही है। ऐसे में नए सहयोगियों के साथ उद्धव ठाकरे की नजदीकियां ज्यादा दिख रही हैं। आदित्य ठाकरे राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ गले मिल रहे हैं और उनकी इस तस्वीर को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 43 साल में इतिहास ने खुद को दोहराया। एक तस्वीर वो जिसमें इंदिरा गांधी के सामने बाला साहेब ठाकरे हैं और आज की तस्वीर में दोनों नेताओं के पोते हैं। कांग्रेस के लिए बाला साहेब ठाकरे बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बाल ठाकरे इंदिरा गांधी की कई नीतियों के समर्थक भी थे। 1975 में जब पीएम इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी तो बाल ठाकरे ने इस कदम का समर्थन किया था, जबकि बाकी की पार्टियों ने इसका जोरदार विरोध किया। तमाम पार्टियों के नेता उस वक्त सलाखों के पीछे डाल दिए गए। राजनीतिक इतिहास को पलट कर देखें तो 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई और उसके बाद विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उस वक्त महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकर राव चव्हाण ने बाला साहेब के सामने दो विकल्प रखे थे कि या तो वो गिरफ्तार हो जाए या फिर आपातकाल के समर्थन का ऐलान कर दे। तब बाला साहेब ने जेल जाना मुनासिब नहीं समझा और आपातकाल के पक्ष में वो हो गए। ये पहला वाक्य नहीं था जब बाला साहेब ने कांग्रेस का समर्थन किया। इससे पहले 1971 में कांग्रेस की दो फाड़ होने के बाद बाला साहेब ठाकरे ने हाथ मिलाया और अपने तीन उम्मीदवार भी खड़े किए, मगर वो तीनों ही हार गए। 1984 आते आते कांग्रेस और बाला साहेब के रिश्ते टूटने लगे। इसका कारण थे प्रमोद महाजन। 1984 के चुनाव में बाल ठाकरे ने अपने दो उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव निशान पर खड़े किए थे। 1989 में बीजेपी शिवसेना ने अपना गठबंधन फाइनल किया, जिसमें प्रमोद महाजन का बड़ा योगदान था। इस गठबंधन में शिवसेना हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रही। 2019 में जब कांग्रेस और शिवसेना का गठबंधन हुआ तब बाला साहेब के पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए थे। इनमें वो काफी कड़े शब्दों का प्रयोग करते दिख रहे हैं। एक वीडियो में वो कह रहे हैं कि शिवसैनिकों को हिंदुत्व और भगवा झंडे के कारण सम्मान मिलता है, जिससे कभी गद्दारी नहीं की जा सकती। विचारधारा के स्तर पर कभी शिवसेना कांग्रेस के जैसे होने लगी तो वो पार्टी को ही बंद कर देंगे। शिवसेना को कभी कांग्रेस के जैसा नहीं होने दूंगा और मुझे मालूम हुआ कि ऐसा हो रहा है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने एनसीपी के लिए भी काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। एक वीडियो में वो कह रहे थे कि वो कभी भी एनसीपी की मदद से सरकार नहीं बनाएंगे। एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल में बाला साहेब ने कहा था कि मैं सोच भी कैसे सकता हूँ कि जिसने वाजपेयी की सरकार गिराई हो उसके साथ मैं हाथ मिलाऊं, दुश्मन तो दुश्मन होता है। वहीं सोनिया गांधी को लेकर भी उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी। एक वीडियो तो उनका बहुत फेमस था जिसमें एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कभी राजनीतिक समर्थन के लिए सोनिया गांधी के पास जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं हिजड़ा नहीं हूँ। इस वीडियो को भी 2019 में वायरल किया गया और इन तमाम विरोधों को नकारते हुए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन में आने की हामी भरी। महाविकास आघाड़ी सरकार भी बनाई, लेकिन शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे बागी हो गए। उनके साथ शिवसेना के ज्यादातर नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। शिंदे को बीजेपी ने समर्थन दिया और सरकार बनाई। शिंदे सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करने खुद आदित्य ठाकरे पहुंचे। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को गले लगाया। इन सबके बीच आदित्य ठाकरे और राहुल गांधी की तस्वीर के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे और इंदिरा गांधी की तस्वीर भी वायरल हो गई। हालांकि दोस्तों, आप कांग्रेस और
शिवसेना के साथ को कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।